हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम दुनिया चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 10 बिगेस्ट मशीन्स जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुमात्सु D5758 डोजर। कुमात्सु D5758 डोजर 4.8 मीटर लंबा होता है और 1150 BHP पर काम करता है। D5758 दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोजर माना जाता है। यह ज्यादातर खनन कार्यों में उपयोग किया जाता है और यह एक बार में 70 क्यूबिक मीटर की सामग्री को इधर से उधर कर सकता है। P&H L2350 लोडर। P&H L2350 लोडर भी कमात्सु कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह लोडर सबसे बड़ा अर्थ मूवर का विश्व रिकॉर्ड भी रखता है। यह लोडर 65,300 किलोग्राम की सामग्री को 7.3 मीटर तक हवा में उठा सकता है। लिबर 9800 खनन उद्योग में इसे लोकप्रिय माना जाता है, जो एक बार में 42 क्यूबिक मीटर आसानी से साफ कर सकता है, लेकिन उस तरह की ताकत लगभग 907,184 किलोग्राम वजन वाली मशीन के लिए आश्चर्यजनक है। बेलाज 75710 हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली डंप ट्रक बन गया। यह 8.22 मीटर लंबा होता है, जिसमें 4 2300 हॉर्स पावर के इंजन हैं। बेलाज 75710 408,233 किलोग्राम वजनी ढोने के लिए काफी मजबूत है। कैट 6090 हाइड्रोलिक शॉवल। 2012 में कैटरपिलर ने अब तक निर्मित सबसे बड़े हाइड्रोलिक शावल का अनिवार्य किया। कैट 6090 भी ऊर्जा कुशल है, यानी बहुत एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये पावर को स्टोर कर लेता है स्विंग डी एक्सेलरेशन के दौरान। P&H 4100 XPC इलेक्ट्रिक रोप शावल। यह कुमात्सु कंपनी का एक इलेक्ट्रिक रोप शावल है, जो 67 क्यूबिक मीटर तक सामग्री को उठा सकता है, जो इसे लगभग 99,000 किलोग्राम के कुशल इंजन से काफी मदद मिलती है। बिग मस्की। ये कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल अर्थ मूविंग मशीन थी। बिग मस्की एक बार में 2 ग्रेहाउंड बसों को उठा सकती थी। पर्यावरण के प्रतिबंधों के कारण इसे 1999 में स्क्रैप धातु में 1.4 बिलियन की मशीन को 9.2 मिलियन में ही बेच दिया गया था। नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्ट। इन 34.74 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म में नासा के रॉकेट को उनके लॉन्च पैड तक ले जाने का महत्वपूर्ण मिशन होता है। बिग बर्था। सिएटल की पहली महिला मेयर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन को बिग बर्था कहा जाता है। यह 17.37 मीटर डायमीटर का होता है। बिग बर्था को खोदने के लिए बनाया गया था। बैगर 293 बकेट व्हील एक्सकवेटर। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा भूमि वाहन है। यह 96 मीटर लंबा है। इसका वजन 14 मिलियन किलोग्राम है और यह प्रतिदिन 240,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोद सकता है, जिसे पहले मैन टकरफ RB293 के रूप में भी जाना जाता था। जर्मन औद्योगिक कंपनी टकरफ द्वारा बनाया गया एक विशाल
बकेट व्हील एक्सकवेटर है। इसकी गति 0.1 से लेकर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।